रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। थैंक यू। चिकन सीख कबाब, टिक्का बोटी, माशरा मसाला बहुत मज़ेदार है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ रहे हैं चिकन सीख कबाब। सबसे पहले हम नमक शामिल कर लेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, सबसे पहले हरी मिर्चें, 1 चमचा सूखा धनिया जो मोटा मोटा कूट लिया था, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा तेली में मोटा मोटा कर लिया इसको, ये डाल दिया जीरा, 1 चमचा लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च पिसी हुई, हाफ स्पून पिसा गरम मसाला, 2 चमचे सीख चिकन मसाला, 1 स्पून प्याज, नींबू इसके बीजे भी निकाल लिए, अब इसका जूस निकालेंगे इस तरीके से। जूस अब इस सबको मिक्स कर देंगे, अब आधे घंटे ही रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। सीखा हुआ मसाला रेस्ट पे, जब तक हम टिक्का बोटी मसाला बना रहे हैं, इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 चमचा लहसुन अदरक, 1 स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1/2 स्पून लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1 नींबू, 1/2 नींबू। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे सारे मसालों को, हम आधे घंटे ही रख देंगे। कीमे को दोबारा पीस लेंगे। हमारे मसाले को 1 घंटा हो गया, अब हम इसको स्टिक्स पे लगाएंगे। स्टिक्स बन गई, सीख कबाब स्टिक्स पे कीमा लगा दिया, अब इसी तरीके से सब पे लगा देंगे, इस तरीके से नीचे से ऊपर जाना। सारे कीमों को हमारे स्टिक्स पे लगा दिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। टिक्का बोटी को हम स्टिक पे लगा लेंगे, अब इसी तरीके से जैसे सीख कबाब लगाए थे, 1 2 वन में स्टिक में 5 5 पीस लगाएंगे। वन टू थ्री फोर और ये 5। बूटी लगाते हुए एक बात का ख्याल रखें कि बूटी हमेशा ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगानी है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये बूटी लटकी रहेगी और ये जल जाएगी साइड से, इसलिए हमेशा बूटी को सीधी लगानी है इस तरीके से। हमने ये स्टिक्स पे लगा दी है सारी बोटियाँ, टिक्का बोटी, अब हम उसको फ्राई करेंगे। हमारा तेल मीडियम गर्म हो गया है, एक एक डाल देंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, अब ये हल्के हल्के फ्राई होते रहेंगे, अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे। अब 5 मिनट हो गए, अब इसका हम ढक्कन हटा देंगे, अब थोड़ा सा पलटेंगे इसको, ये चेक करें रेडी हो रहा है। ये सीख कबाब
वन साइड से फ्राई हो गए, अब ये दूसरी साइड से फ्राई हो गए, फिर से ढक्कन लगा दी। तो आप रेडी हो गए, अब हमको डिशॉर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, ये देखिए कितने मजे की लग रही। हमारे सीख का रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। ट्राई करके जरूर बताना और कमेंट बताइए कैसे बने। अब हम टिक्का बोट डिप लेंगे ऑयल में इस तरीके से। अब ये फ्राई होंगे, अब उसको ढक्कन लगा देंगे। टिक्का बोटी एक साइड से रेडी हो गए, हम उसको पलट देंगे, कहीं दूसरे साइड से पक गए। कितने मजा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। ये वन साइड का फ्राई हो गया, आपका दूसरा साइड फ्राई हो रहा है, और ये बहुत ही यम्मी बने। लाइक करें, कमेंट करें कि हमने इमली का पानी डाला हुआ है, अब बता रहे हैं बूटी में मिर्चे पीसी हुई खटाई भी डाली इसके अंदर हमने। हम प्याज ले लेंगे इसको काटते हुए, बारीक बारीक अच्छा प्याज डाल देंगे इसके अंदर हम इस तरीके से, और ये बहुत अच्छी लगती है चटनी के अंदर। ये देखिए इस तरीके से, सी कबाब और तिक्की बोटिया बहुत मजे की लगती है, और इसमें हमने डाली लच्छी था प्याज, गोल लाल मिर्चे और खटाई का पानी। ये रेडी है बिल्कुल, हमारा ये टिक्का बोटी भी रेडी है। ये देखिए कितनी मजेदार लग रही है, फुल यम्मी। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, टिक्का बोटी रेडी है, अब इसको हम डिश आउट करें। ये डिश आउट हो गई, कितनी यम्मी लग रही है ये देखें। चला हमारे सीख कबाब और टिक्का बोटी दोनों रेडी है, बहुत ही मजे की लग रहा है देखने में। अब खा के टेस्ट करके बताएंगे कि कितने मजे की बनाएंगे। आप टेस्ट करके देखते हैं कितने मजे की बनी है ये हमारी टिक्का बोटी सीख कबाब, थोड़ा सा केचप, लीली चटनी, वो थोड़ी हरी चटनी। आप ये टेस्टी बताओ कैसी बनी है ये, थोड़ी इमली चटनी, थोड़ा केचप और थोड़ी हरी चटनी। बहुत ही मजे की बनी है ये तो भाई। अब मैं सेक अप ट्राई करूंगा, थोड़ा चटनी, थोड़ी इमली चटनी और हरी चटनी, ये तो बहुत ही मजेदार बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी वॉल में आती रहे। केचप, इमली की चटनी और हरी चटनी, यम्मी मजेदार। इसमें रखेंगे टिक्का बोटी और ये इस तरीके से निकाल लेंगे। इसे हम डालेंगे सीख कबाब इस तरीके से। ये कितने मजेदार लग रहा है, ये जूसी यम्मी। थैंक यू।